दोस्तों, अगर अभी तक आपको अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ओला कैब बुक करना नहीं आता है तो आज की मेरी वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ओला कैब कैसे बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ऐप के ज़रिए ओला ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके बाद ओला ऐप के ऊपर क्लिक करके ओला ऐप को ओपन करना पड़ेगा। जैसा कि मेरे फ़ोन में पहली बार ओला ऐप ओपन हो रहा है, ठीक उसी तरह से आपके भी फ़ोन में ओला ऐप ओपन होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख जाएगा कंटिन्यू विथ फ़ोन नंबर, आपको कंटिन्यू विथ फ़ोन नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा इंटर फोन नंबर फॉर वेरिफिकेशन, तो आपको इसमें अपना मोबाइल नंबर इंटर करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ से अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लेता हूँ, आप भी अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिखेगा, आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसे नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन पे एक OTP ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे एक कॉल आएगा, तो कॉल को आपको अटेंड करना पड़ेगा। देखते तो इसमें क्या आता है, दिस इज अ सिक्योरिटी कॉल फॉर योर ओला कैब्स अकाउंट, वी हैव रिसीव्ड अ लॉगिन रिक्वेस्ट, इफ यू आर ट्राइंग टू लॉग इन नाउ प्रेस 1 टू कंफर्म योर आइडेंटिटी। तो ये बोल रहा है कंफर्म करने के लिए 1 दबाएं, यहाँ पे मैंने 1 दबा दिया कंफर्म करने के लिए कि मैं ओला में अपनी आईडी बना रहा हूँ। यू आर नाउ लॉग्ड इनटू योर ओला कैब्स अकाउंट, एंजॉय योर राइड। इसके बाद ऑटोमेटिक फ़ोन कॉल कट गया। अब आप देखोगे तो ये यहाँ पे एस का चेक मार्क लग गया। इसके बाद आपको यहाँ पे अलाउ वाला ऑप्शन शो होगा, आपको अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर से आपको अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर से आपको अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद ओला ऐप पूरी तरह से आपके फ़ोन पे ओपन हो जाएगा। ओला ऐप से ओला कैब बुक करने के लिए अब आपको योर करेंट लोकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन शो होंगे। सबसे पहले आप देखोगे तो आपको यहाँ पे पिकअप लिखा होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा सर्च फॉर एन एड्रेस और लैंडमार्क। इसका मतलब यह है कि आपको उस जगह का नाम इसमें फिल करना है ग्रीन वाले बॉक्स में, जहाँ पे आप इस वक्त हैं, यानी जहाँ से आप अपनी कार में बैठना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा रेड वाले बॉक्स में इंटर डेस्टिनेशन, यानी आपको कहाँ पे जाना है, आपको उस जगह का नाम निचले वाले बॉक्स में लिखना है, ठीक है। फिल करके दिखा देता हूँ, तो चलिए मैं पहले वाले बॉक्स में यहाँ पे नोएडा सेक्टर 18 फिल कर लेता हूँ। तो आप भी अपने यहाँ पे होंगे, आप अपना फिल कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाले बॉक्स में नोएडा सेक्टर 18 फिल कर लिया। इसके बाद अब आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। आप देखोगे तो जो सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख जाएगा इंटर डेस्टिनेशन, आपको इसमें उस जगह का नाम फिल करना है जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। तो मैं इंडिया गेट घूमना जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे इंडिया गेट सर्च कर लेता हूँ। जैसे मैंने इंडिया गेट टाइप किया तो मेरे सामने नोएडा सेक्टर 18 से इंडिया गेट जाने के लिए कई सारे यहाँ पे कैब सर्चों के आ चुके हैं, आपको आपके फ़ोन के डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। इसके बाद आप देखोगे तो आपको यहाँ पे बुक एनी का एक ऑप्शन होगा। बुक एनी का जो प्राइस है 347 रुपये से लेकर 415 रुपये तक का है। इसमें आपको कई कैटेगरिया की कार मिल जाती हैं, ठीक है। अगर आपको इस पर क्लिक करना है तो इसमें आपको कोई भी बुक हो जाएंगी कार, ऐसा नहीं रहेगा। इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे मिनी वाला ऑप्शन है, मिनी में 3 लोग बैठ के जाएंगे और इसमें आप एक दो छोटा बैग भी ले जा सकते हो। इसका जो प्राइस है वो 347 रुपये है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे प्राइम सेडन है, प्राइम सेडन का जो प्राइस है वो 415 रुपये है। इसमें 4 लोग बैठ के जाएंगे, इसमें 2 बड़े छोटे बैग भी ले जा सकते हो। इसमें आपको फ्री वाईफाई भी मिलता है और इसमें TV वगैरह भी सुविधा रहता है। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे बाइक का ऑप्शन है, बाइक 147 रुपये में अवेलेबल है, इसमें सिर्फ 1 लोग बैठ के जा सकते हैं, इतना तो आपको भी पता होगा। यहाँ पे प्राइम SUV है, प्राइम SUV का जो यहाँ पे फेयर बन रहा है 508 रुपये बन रहा है, इसमें 7 से 8 लोग बैठ के जा सकते हैं और बड़ा बड़ा लैगेज भी आप ले जा सकते हो। अगर आपको मिनी बुक करना है तो आपको मेन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे बुक मेन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा कनेक्टिंग ड्राइवर्स नियर बाय, यानी जो आपके नज़दीकी में ड्राइवर है उससे आपका जो आपकी बुकिंग वो कनेक्ट हो रही है। तो चलिए, जो हमारे बुकिंग थी वो कन्फर्म हो चुकी है। इस जो गाड़ी का नंबर वो DL1RT8132 है, वाइट कलर की वैगनार टैक्सी है। जो ड्राइवर हुआ है मोहम्मद सलीम है, 4.9 की रेटिंग है, काफ़ी अच्छी रेटिंग है इनको। अगर आपको इन्हें कोई कॉल या मैसेज करना है तो आप यहां से कॉल और मैसेज कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मुझे जो ड्राइवर मिला या जो टैक्सी मिली है वो अच्छी नहीं है, या फिर आपका प्लान चेंज हो गया, आपको नहीं जाना है, तो आप अपने राइड को कैंसिल करना चाहते हो, तो कैंसिल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप कैंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ से कोई भी चीज़ सेलेक्ट करके आप कैंसिल भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाला कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद कैंसिल राइड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपकी राइड कैंसिल हो जाएगी। सो आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।